हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक कुमार, देख रहे हैं दीपक कुमार व्लॉग्स। तो अभी पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया मैंने, जो कि अभी मैंने खाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज बना है अपने यहाँ गोभी का पराठा। रिसेंटली मेरे 3 या 4 महीने पुराने एक वीडियो पे कमेंट आया है EMS फुट मसाजर से रिलेटेड कि वो अभी वर्क करता है या नहीं। तो मैं अभी उसको टेस्ट करूँगा और उसको वीडियो में ऐड करूँगा कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये है अपना EMS फुट मसाजर, वही पुराना वाला है। अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये अभी वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसमें बैटरी लगी हुई है अभी, ऑलरेडी मैंने चेक कर चुका हूँ और मैं फिर से दिखाता हूँ। तो गाइस, ये अभी भी वर्क करता है, नो डाउट। अभी भी इससे मेरे को इलेक्ट्रिक पल्सेस पास होते हुए मेरे को पैरों में फील हो सकते हैं। तो हाँ, ये अभी भी वर्क करता है और सारे स्विचेस मेरे अभी सही से काम कर रहे हैं। अगर आपने सही प्रोडक्ट लिया है तो वो काम करेगा। और जो मेरे में कमेंट आया था उसमें लिखा था कि जो रिव्यूज़ हैं उसमें लिखा है कि 1-2 महीने बाद वो ख़राब हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा अभी भी वर्क कर रहा है। अगर आप EMS फुट मसाजर रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसको उसकी बैटरी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि क्या पता आपकी बैटरी ख़त्म हो गई हो इसलिए काम नहीं कर रहा। तो उसको अच्छे से क्लीन करके बैटरी चेंज करके फिर से यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, शायद चल जाए। अगर नहीं चल रहा है तो आप प्लीज़ जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदिए। तो इस वक्त बज रहे हैं 2:45 और मैं जा रहा हूँ मम्मी की दवाइयाँ लेने, क्योंकि मम्मी कल जा रही हैं कुछ दिनों के लिए दीदी के यहाँ। तो 1 महीने की एडवांस में दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। तो दवाइयाँ तो ले ली हैं, अभी एक प्रोडक्ट और लेना है, मतलब शैम्पू लेना है मम्मी के लिए। मैं दवाइयाँ तो ले आया हूँ पर एक चीज़ भूल गया, एक्चुअली मैं फ़ोटो लेना ही भूल गया था, तो मैं लाना ही भूल गया। मम्मी का टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, ये डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया है इसलिए यही वाला लाना पड़ेगा, शाम को जाएंगे लेने। मैं नेल्स काटने जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे नेल्स काफ़ी बड़े भी हो गए, काफ़ी गंदे भी हो गए, हाथ भी बहुत गंदा हो रखा है अभी, क्योंकि अभी गाड़ी सर्विस करवाई थी, उसका ऑयल मेरे हाथों पे लगा हुआ है और उसका पूरा डर्ट मेरे नेल्स में चला गया। और मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, जिसकी वजह से नाखून की वजह से मेरे को काफ़ी मतलब स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी पहले नाखून काट लेते हैं। अभी हम लोग लेने निकले थे टूथपेस्ट पर यहाँ आ गए। अभी इडली ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा है। और ठीक सामने हमारे चाची की दुकान टेलर वाली, जैन क्लिनिक के जस्ट बगल में। तो फाइनली 3 जगह सर्च करने के बाद ये मिल गया हमको, और हमको मतलब मैं और अंकित गए थे। और जो हमने इडली खाई थी वो नॉर्मल थी। अब जो झांसी की बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इडली है, उसका मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पे एक्चुअली इडली साउथ इंडियन डिश परफेक्ट मिलती है, इडली डोसा और उत्तपम मेंदू वड़ा XYZ जो बोलोगे वो मिल जाएगा साउथ इंडियन वाला। मेरे एक फ्रेंड की नई शॉप खुल रही है जो कि ये है, शुभम नाम है इसका, और शॉप का नाम है पंचम चाय पान। बहुत जल्द ओपन हो जाएगी, अभी डेट फिक्स नहीं हुई ना अभी। नहीं, डेट फिक्स 25 या 26 तक अभी ये बोर्ड भी हटेगा, इसका नाम चेंज होगा, अपना ऊपर भी लग चुका है। ऑलराइट एवरीवन, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और मैंने अभी पैकिंग कर दी है, वो भी हुई नहीं है, और सुबह 6 बजे ट्रेन आ जाएगी, तो हमें यहाँ से 5 बजे निकलना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।